बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डेयर स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश के पेपर का गैस शेयर करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट गैस आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो डेयर स्टूडेंट्स, आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। कितने मार्क्स आते हैं ये बाद की बात है, लेकिन जो आपके सामने पेपर आएगा ना, वो आपका पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा अगर आप इस गैस को फॉलो करते हैं। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, पास्ट पेपर्स, एमसीक्यू, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी परेशानी, आपकी टेंशन सारी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। अब आप एक कमरे में बंद हो जाएँ, बहुत थोड़ा टाइम रह गया है, करना पड़ेगा, तभी ये सारी चीज़ें होंगी, अदरवाइज़ बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बाकी सब्जेक्ट के गैस भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, वो भी हम शेयर कर चुके हैं, केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इंग्लिश का गैस शेयर करने जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, इधर उधर अब अपना टाइम वेस्ट ना करें, मेहरबानी करें, अपने ऊपर तरस खाएँ और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से तैयार करें। तो डेसेंस आपके साथ फिर चीज़ें सारी शेयर करते हैं जी। तो डेयर स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश का गैस आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस डिफरेंट बोर्ड्स के पास्ट पेपर्स एमसीक्यूज़, ये लास्ट में आपके साथ शेयर करेंगे। पहले हम सब्जेक्टिव पेपर को देखते हैं। याद रहे, अगर ऑब्जेक्टिव के लिए आप डिफरेंट बोर्ड्स के साथ 8 पेपर्स भी कर लेना तो आपको अच्छा खासा आइडिया भी हो जाता है और उसमें से एमसीक्यूज़ अच्छे खासे हो भी जाते हैं, तो वो आपके साथ लास्ट में शेयर करते हैं। पहले हम यहाँ पर ज़रा सब्जेक्टिव को देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो डेयर स्टूडेंट्स, ये आप यहाँ पे सिर्फ देखते जाएंगे, एक एक क्वेश्चन को मैं रीड आउट नहीं करूँगा, टाइम लग जाएगा। आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाएं या फिर ये कि बुक ओपन करके मार्क करते जाइए, ठीक है। तो ये आपके पास जी इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बुक टू के, वो आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। आप इनको नोट कर लें या फिर स्क्रीन शॉट ले लें, बाद में बैठ के इनको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो ये सारे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डेयर स्टूडेंट्स, ये हर हाल में आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। हेडिंग्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं, इन्हीं को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये फिर इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे जी, गुड बाय मिस्टर चिप्स के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, इनको आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, इंशाल्लाह आपका पेपर हो जाएगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, बस करने वाले बने। अब इधर उधर ना सोचते रहें ना देखते रहें, जो कुछ आपको बता रहे हैं ये अब आप तैयार करें, बस इनको रट्टा लगाएं अच्छे तरीके से। लो जी, ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। अब आपके सामने आ रहे हैं जी यहाँ पे इंपॉर्टेंट एसेज। तो ये आपके सामने 10 इंपॉर्टेंट एसे हम शेयर कर रहे हैं, इंशाल्लाह इन्हीं को अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपका ऐसे हो जाएगा। स्क्रीन शॉट लेते जाएं जी, फिर बैठ के इनको आपने मार्क कर लेना है, इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अब आ जाएं जी ऑब्जेक्टिव पे। तो ये डेयर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये जी इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशंस आ गई, ये जो टेबल है सारा आप अच्छे तरीके से देख लें। जो ऑप्शन बोल्ड की गई है ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है,
अच्छे सुन ले, जिस ऑप्शन को बोल्ड किया गया ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। लो जी, अब पास्ट पेपर्स एमसीक्यूज देखते हैं।